हाय फ्रेंड्स आज मैं आपको द एडवेंचर ऑफ स्पेकल्ड बैंड चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड स्पेकल्ड बैंड है इसका मतलब स्पेकल्ड मीन्स धब्बेदार बैंड मतलब पट्टी एक धब्बेदार पट्टी तो फ्रेंड्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के जो राइटर हैं उनके बारे में आपको क्विकली बता देती हूँ आर्थर कॉनन डॉयल ये इस चैप्टर के जो राइटर हैं उन वो हैं वाज ए स्कॉटिश राइटर एंड फिजिशियन वो स्कॉटिश राइटर थे और एक फिजिशियन भी थे मोस्ट फेमस फॉर हिज स्टोरीज़ फीचरिंग द डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स उनके बहुत सी बहुत सारे सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ हैं बहुत सारे स्टोरीज़ हैं जिनमें वो फ़ीचर किए हैं फीचर मतलब प्रेजेंट किए हैं डा डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स को the most popular of this works are novels. उनका जो ये stories हैं उनका इन्हीं के ऊपर Sherlock Holmes के ऊपर जो stories हैं उन्हीं में से कुछ famous novels हैं जिनका नाम है The Hound, uh, The Hound of Vasker Willis, A Study in Scarlet and The Sign of the Four. ये तीन उनके कुछ फेमस नॉवेल्स हैं जिनमें वो शर्लक होम्स के बारे में मेंशन मतलब उन्हीं के बारे में स्टोरी लिखे हैं ही ऑल्सो क्रिएटेड ए सेट ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन एडवेंचर अराउंड द करेक्टर ऑफ प्रोफेसर चैलेंजर डॉ डिटेक्टिव शार्लॉग्स होम की तरह वो प्रोफेसर चैलेंज के ऊपर चैलेंजर के ऊपर भी कुछ फैंटेसी और साइंस फिक्शन स्टोरीज भी लिखे हैं तो चलिए फ्रेंड्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं आपको क्विकली बता देती हूँ तो पहला कैरेक्टर है फ्रेंड्स वो है शॉलॉग होम का जो कि डिटेक्टिव हैं उसके बाद है मिस्टर वॉटसन जो कि शॉर्लॉगस होम के फ्रेंड हैं और साथ ही डिटेक्टिव हैं और हेलेन स्टोनर हैं जो कि क्लाइंट हैं जो केस लेकर आती हैं शार्लॉग होम के पास और उसके बाद आता है कैरेक्टर जूलिया स्टोनर का फ्रेंड्स यहाँ पे स्टोनर का स्पेलिंग में गलत लिखती हूँ प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा हेलेन स्टोनर की ये सिस्टर होती हैं जूलिया स्टोनर और उनका डेथ हो गया होता है और उसके बाद आता है कैरेक्टर डॉक्टर ग्रिम्स बी रॉयलॉट जो कि हेलन और जूलिया के स्टेप फादर होते हैं तो चलिए फ्रेंड्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इट वॉज अर्ली इन अर्ली अप्रैल इन ए यंग लेडी अराइव टू मीट अ शॉलॉग्स होम तो क्या होता है ये एक अप्रैल के शुरुआती टाइम का शुरुआत का टाइम होता है तब एक यंग लेडी एक जवान लेडी आती है शर्लक होम्स के घर में उनसे मिलने के लिए गुड मॉर्निंग मैडम सेड होम्स चेयरली और उनको शर्लक होम काफ़ी चेयरली चेयरली मतलब हंसते हुए उनको वेलकम करते हैं और उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं ड्रॉप टू द फायर वो बोलते हैं कि ड्रॉप टू द फायर इसका मतलब ये है कि कम नियर टू द फायर फायर के पास आके बैठिए फॉर आई ऑब्जर्व दैट यू आर शिवरिंग कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ ऑब्जर्व मतलब ध्यान दे रहा हूँ कि आप शिवर कर रहे हैं शिवर मतलब काँप रहे हैं इट इज़ फीयर विच मेक्स मी शिवर मिस्टर होम्स इट इज़ टेरर सेट द वुमेन इन ए लो वॉयस वो वुमेन काफ़ी लो वॉयस में बहुत ही धीमा आमाज़ में बोलती हैं कि इट इज़ फियर ये डर है विच मेक्स मी श्यूअर जो मुझे कप कपा जो मुझे कप कपा दे रहा है इट इज़ टेरर टेरर मीन्स भी फीयर ही होता है शिरीज हारवेल एस सी स्पोक वो जैसे ही बात करने लगती है अपनी अपना वो वेल को उठाती है वेल मतलब क्या होता है जो एक फेस कवर होता है जैसे कि ब्राइड्स वेडिंग के टाइम में भी क्रिश्चियन वेडिंग के टाइम में भी वो लोग घूंघट पहनते हैं ऐसे इंडिया में भी जैसे हम लोग कोई भी शादी वगैरह होता है तो दुल्हन जो होती है घूंघट पहनती है फेस कवर पहनती है तो वैसे ही जब वो बात करती रहती है तो अपने फेस कवर को रेस करती है उठाती है एंड वी कुड सी दैट हर फेस वॉस ड्रॉन और हम लोग देख सकते हैं कि उसका फेस जो था चेहरा जो था वो ड्रॉन हो गया था ड्रॉन यहाँ पे पेल हो गया था फीका पड़ गया था उनका चेहरा और ग्रे भी हो गया था विथ रेस्टलेस Restless के रेस्टलेस के लिए मतलब वो बहुत बेचैन थी इसीलिए उनका चेहरा फीका पड़ गया था फ्राइटेंड आइस और उनका आँख जो था काफ़ी डरा हुआ फ्राइटेंड दिख रहा था डरा हुआ दिख रहा था वो बोली उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दी माय नेम इज़ हेलेन स्टोनर वो बोली कि मेरा नाम हेलेन स्टोनर है एंड आई लिव विद माय स्टेप फादर और मैं अपने स्टेप फादर सौतेले पिता के साथ रहती हूँ डॉक्टर ग्रीम्स बी रॉयलॉट जिनका नाम डॉक्टर ग्रीम्स बी रॉयलॉट हैं ऑफ़ स्ट्रोक मोरन मतलब स्ट्रोक मोरन के जो ग्रिम्स बी रॉयलॉट डॉक्ट ग्रिम्स डॉक्टर ग्रीम्स बी रॉयलॉट हैं उनके साथ में रहती हूँ वन डॉक्टर रॉयलॉट वॉज इन इंडिया जब डॉक्टर रॉयलॉट इंडिया में थे ही मेरिड माई मदर उनका शादी हो गया था मेरी मम्मी के साथ मिसस टोनर जो जिनका नाम था मिसेज टोनर द यंग विडो ऑफ मेजर जनरल स्टोनर और वो एक यंग विडो थी एक जवान विडो में से विधवा थी किसकी मेजर जनरल स्टोनर की मतलब मेजर जनरल स्टोनर जो कि हेलेन स्टोनर के पिता थे और उनकी वो विडो थी जिनके आ, उनकी मम्मी जिनका शादी डॉक्टर रॉयलॉट के साथ हुआ था जब वो इंडिया में गए थे माई ट्विन सिस्टर जूलिया एंड आई वेयर ओनली टू ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ आवर मदर्स री मैरिज तो हेलन बोली कि उनकी जो ट्विन सिस्टर है, उनकी जुड़वा बहन हैं जूलिया वो और हेलन वो दोनों दो साल के थे जब उनकी मम्मी का रीमैरिज हुआ था पुनर्विवाह हुआ था माई मदर लेफ्ट हर फॉर्च्यून टू डॉक्टर रॉयलॉट एंटायरली मेरी मम्मी ने अपना जो वो बोलती हैं कि उनकी मम्मी ने अपना जो फॉर्च्यून है फॉर्च्यून मतलब यहाँ पे तकदीर नहीं है वो यहाँ पे उनका वेल्थ को कहा गया है उनका धन संपत्ति जो था वो सारा वो डॉक्टर रॉयलॉट को दे के गई थी विथ ए प्रोविजन उसमें एक प्रोविजन था लेकिन एक कंडीशन तो था एक शर्ट था दैट इज सर्टन एनुअल समर्टन मतलब कुछ एक पर्टिकुलर uh, एक uh, कुछ नहीं पर्टिकुलर एक एनुअल सम वार्षिक राशि गिवेंट टू ईच ऑफ अर्स दोनों बहनों को मिलेगा इन द इवेंट ऑफ आवर मैरिज हम दोनों को ही मिलेगा हम दोनों के शादी के टाइम में ये बात हेलन बोली शॉर्टली आफ्टर आवर रिटर्न टू इंग्लैंड माई मदर डाइड जैसे ही वो लोग इंग्लैंड में रिटर्न हो हो गए उनकी शादी के बाद उनकी मम्मी का डेथ हो गया डॉक्टर रॉयलॉर्ड देन टुक अस टू लिव विथ हिम इन द ओल्ड मैनर हाउस एट स्ट्रोक मोरन और उनके डेथ के बाद डॉक्टर रॉयलॉर्ड जो थे वो दोनों बच्चों को लेके अपने साथ रखने के लिए चले गए और उनका कहाँ पे चले गए ओल्ड मैनर हाउस में ओल्ड मैनर हाउस एक पुराना कंट्री हाउस लार्ज हाउस होता है बड़ा सा घर होता है उसको कंट्री हाउस मैनर हाउस बोलते हैं जो कि स्ट्रोक मोरन में था बट ए टेरिबल चेंज केम ओवर आवर स्टेप फादर लेकिन एक बहुत ही टेरिबल uh, बहुत ही बुरा सा बदलाव आया उनके स्टेप फादर के अंदर ही शर्ट हिमसेल्फ अप वो अपने आप को बंद करके रख देते थे इन द हाउस घर में अपने आप को बंद करके रख देते थे एंड शेलडम केम आउट शेलडम मतलब होता है कभी कभी रेयरली रेयरली वो आते थे रूम से बाहर एक्सेप्ट टू इंडल्च इन कोयरल विथ हुएर माइट क्रॉसिस पाथ और जब भी भी बाहर आते थे घर से बाहर निकलते थे तो भिड़ जाते थे भिड़ जाना इंडल्स हो जाना मतलब लिप्त हो जाना कोयरल में झगड़े झगड़े झमेले में वो पड़ जाते थे और जो कोई भी उनके रास्ते आता था हीज़ ए पैशन फॉर इंडियन एनिमल्स उनका एक पैशन था बहुत ही चाह था इंडियन एनीमल्स के प्रति एंड ही हैज़ एट दैट मोमेंट ए चीता एंड ए बबून और उस मोमेंट में उनके पास एक चीता और बबुन दोनों थे विच आर फियर्ड बाय द विजर्स जो कि विलेजर्स लोग जिससे बहुत डरते थे ऑलमोस्ट एज मच एज थे मास्टर जितना वो अपने मास्टर से डरते दर थे उतना ही वो चीता बबुन से भी डरते थे और वो दोनों चीता बबुन जो कि बहुत खूखार था वो उनके पापा के स्टेप फादर के पास था तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में आते हैं माई माई सिस्टर जूलिया डाइड जस्ट टू ईयर्स अगो एंड इट इज ऑफर डेथ दैट आई विश टू स्पीक टू यू वो बोलती हैं कि मेरी बहन जूलिया का डेथ हो गया है दो साल पहले और ये उसी के डेथ के बारे में है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ जूलिया वेंट टू तो विजिट आवर आंट नियर हैरो टू ईयर्स अगो एंड गॉट एंगेज टू एन ऑफिसर फ्रॉम द दे मरीन्स देयर वो बोलती हैं कि हेलन बोलती अपनी बहन जूलिया के बारे में कि वो दो साल पहले हैरो में उनके आंट के पास विज़िट करने मिलने गई थी तभी वो वहाँ पे इंगेज हो जाती है एक मरीन के ऑफ़िसर के साथ मरीन मतलब नौसेना नौसेना में काम करने वाले एक ऑफ़िसर के साथ उनका एंगेजमेंट हो जाता है माय स्टेप फादर डिड नॉट ऑब्जेक्ट द मैरिज हमारे जो स्टेप फादर थे उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था वो बिल्कुल भी शादी के लिए कोई भी विरोध नहीं किए बट विदिन ए फोर्थ नाइट ऑफ द डे विच हैड बिन फिक्स्ड फॉर द वेडिंग लेकिन फोर्थ नाइट फोर्थ नाइट मतलब चौदह चौदह दिन का जो टाइम है उसको फोर्थ नाइट बोलते हैं तो फोर्थ नाइट चौदह दिन के अंदर वो फोर्थ नाइट के अंदर जब उनका शादी का डेट फिक्स हुआ था उसी के चौदह दिन के अंदर क्या हुआ द टेरिबल्ड टेरिबल इवेंट ऑकर्ड विच हैज़ डिप्राइव्ड मी ऑफ माई ओनली कंपेनियन डिप्राइव्ड जो है मतलब छीन लेना होता है एक टेरिबल इंसिडेंट हुआ टेरिबल मतलब ये बहुत ही बुरा एक्ट हो इवेंट हुआ बहुत ही बुरा हादसा हुआ जो जिससे कि मैं मेरा एक कंपेनियन मेरा एक लौता ओनली कंपेनियन मेरा एक लौता जो दोस्त था इस दुनिया में वो मुझसे छीन गया ये बात बताती हेलेन स्टोनर अपनी बहन के बारे में अपनी बहन के लिए बताती हैं प्रे बी मोर प्रिस एज टू द डिटेल्स सेड होम्स इस सेंटेंस का मतलब यह है प्रिसाइज प्रिसाइज मतलब बहुत ही एक्यूरेट होकर बताइए डिटेल्स के डिटेल्स सब जो ये बात बताते हैं होम्स बताते हैं कि प्रे आई प्रे यू मतलब मैं प्रे आपको प्रे करता हूं कि आप डिटेल्स को अच्छे तरीके से खुलकर बताइए द फेटल नाइट माई सिस्टर लेफ्ट हंड रूम नेक्स्ट डोर टू आवर फादर्स एंड केम टू माइंड हेलन बताती है कि वो जो फेटल नाइट था वो जो घटना वाला जो बुरा जो रात था उस दिन क्या हुआ था उनकी उस आ, उसकी बहन अपना रूम से निकल के आई थी जो कि उनके स्टेप फादर के नेक्स्ट डोर में मतलब नेक्स्ट रूम में ही था और आती है हेलन के रूम में टेल मी हेलन सी सेड जूलिया बोलती हैं हेलन को कि हेलन मुझे बताना हैव यू एवर हर्ड एन्यन विसल इन द डेड ऑफ़ द नाइट वो पूछती हैं जूलिया पूछती हैं हेलन को कि जूलिया हेलन क्या तुमने कुछ विसल का आवाज़ सीटी का आवाज़ सुना है इन द डेड ऑफ़ द नाइट में रात के सन्नाटे के टाइम में जब एकदम सब कुछ शांत रहता है गहरा अंधेरा रात में तुमने क्या कुछ सीटी का आवाज़ सुना है वो पूछती है नेवर आई सेड बट वाई डू यू आस्क हेलन बोलती है कि नहीं मैंने तो कभी नहीं सुना लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो बिकॉज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू नाइट्स अबाउट थ्री इन द मॉर्निंग आई हैव हर्ड लो क्लियर विसल वो बोलती हैं जूलिया बोलती हैं कि क्योंकि मैं इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ लेकिन क्योंकि कुछ रात से लास्ट फ्यू नाइट्स से कुछ ही रात से करीब तीन बजे के तरफ सुबह आई हैव हर्ड ए लो एक ठो मैं सुन रही हूँ कि एक्टो लो धीरे से लेकिन क्लियर साफ साफ़ एक्टू विसल का आवाज़ एक सीटी का आवाज़ मैं सुन रही हूँ विद that शी वेंट टू हर रूम इतना बोलते ही फिर वो अपने रूम चली जाती है A फ्यू मोमेंट लेटर आई हर्ड हर की turned into the द लॉक उसके बाद कुछ देर बाद वो हैलन नोटिस करती है कि उसकी बहन का रूम वो लॉक हो गया आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट वो रात को मैं अच्छे से सो नहीं पाई ये सेंटेंस कौन ये सब जो बोल रही होती हैं वो हेलन होती है जो क्लाइंट होती है वो बोल रही होती है कि मैं उस रात को सो नहीं पाई आई हैड ए वेग फीलिंग वेग मतलब अनक्लियर सा उनको एहसास हो रहा था फीलिंग हो रहा था दैट समथिंग टेरिबल माइट हैपन कि कुछ टेरिबल मतलब कुछ बुरा शायद हो सकता है द विंड वॉज हाउलिंग आउटसाइड बाहर में जो हवा चल रही थी वो हाउलिंग कर रही थी हाउलिंग मतलब शोर कर रही थी एंड द रेन वॉज बीटिंग अगेंस्ट द विंडो और जो बारिश था वो बहुत ही बीट कर रहा था बीट मतलब टकरा रहा था बार बार विंडो के साथ और अजीब से डरावने नॉइस क्रिएट कर रहा था सडनली देअर बस्ट फोर थे वाइल्ड स्क्रीम इन माई सिस्टर्स वॉइस सडनली हेलन सुनती है कि एक ठो तो जोर से चिल्लाने का वाइल्ड स्क्रीम का आवाज़ फट पड़ता है जोर से चिल्ला उठता है यहाँ पे बस्ट फोर्थ मतलब चिल्ला उठता है एक जोर से चीख इन माई सिस्टर वॉइस मेरी बहन के आवाज़ में एज आई ओपन माई डोर आई हर्ड ए लो विसल जैसे कि मैं अपना दरवाज़ा खोलती हूँ मुझे एक ठो धीमा से एक ठो सीटी का आवाज़ सुनाई देता है माई सिस्टर अपेयर्ड एट द डोर और मेरी बहन दरवाजे पर अपेयर्ड होती है नज़र आती है हर फेस ब्लास्ट विद टेरर उसका जो चेहरा होता है वो ब्लास्ट हो गया रहता है मतलब उसका चेहरे का रंग उड़ गया रहता है टेरर से डर से एड शी फेल टू द ग्राउंड शी स्ट्रिक्ड जैसे कि वो ज़मीन में गिरती है वो श्रिक्ट करती है श्रिक्ट मतलब चिल्लाती है ओ माई गॉड हेलन इट वॉज द बैंड वो बोलती है ओ माई गॉड हेलन वो एक बैंड है वो एक पट्टी है द स्पेकल्ड बैंड धब्बेदार स्पेकल्ड मीन्स धब्बेदार बैंड मीन्स पट्टी धब्बेदार पट्टी है शी पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ आवर स्टेप फादर्स रूम और वो ये बोलती हुई अपने स्टेप फादर के रूम के तरफ इशारा करके दिखा रही होती है बट ए फ्रेश कलवेंशन सीज हर लेकिन एक अचानक से उसको एक कलवेंशन आ गया कलवेंशन मीन्स सडन उसको शेक होने लगा उसका बॉडी कप कपाने लगा और इससे वो सीज हो गया उसको जकड़ लिया ये चीज एंड चोकड हर वर्ड्स और उसके वर्ड्स को उसके आव, बातों को वो चोक कर दिया रोक लिया ब्लॉक कर दिया आई रस्ट आउट कॉलिंग लाउडली फॉर माई स्टेप फादर मैं जल्दी से भागी अपने स्टेप फादर को बुलाने लगी ही सेंड फॉर मेडिकल एड फ्रॉम द विलेज बट ऑल एफर्ट्स वेर इन वेन वो भी क्या किए मेडिकल हेल्प के लिए निकल निकले विलेज में बट उनका जो सभी का ही जो एफर्ट था प्रयास था वो सब कुछ वेन में चला गया वेन इन वेन मतलब सब व्यर्थ हो गए टू ईयर्स हैव बिन पासड सिंस देन उसके बाद से सिंस देन मतलब उस टाइम से दो साल बीत गया है एंड माई लाइफ हैज़ बिन लोन लियर देन एवर और उसी टाइम से मेरा लाइफ अकेला अकेले में बीत चला है लोन लियर हो चला है अकेलापन मतलब हो रहा है तभी से ही मतलब अकेलेपन में ही बीत रहा है बट बट ए मंथ अगो लेकिन एक महीने पहले ए डियर फ्रेंड आस्ट मी टू मैरी हिम एक मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मुझसे पूछा है शादी के लिए शादी करने के लिए माय स्टेप फादर हैज़ नॉट अपोज हमारे जो मेरे जो स्टेप फादर है उसमें उनको कोई भी कुछ भी अपोज़ नहीं किए कोई भी खिलाफ़ नहीं गए द मैच यहाँ पे जो द मैच है इसका मतलब एंगेजमेंट uh, है मतलब उनके फादर जो हैं इस एंगेजमेंट के लिए भी कुछ भी अगेंस्ट uh, में नहीं गए एंड वी आर टू बी मैरिड इन द स्प्रिंग और वो बताती हैं कि उनका शादी होने वाला है स्प्रिंग के टाइम में टू डेज अगो सम रिपेयर्स वेयर स्टार्टेड इन माई रूम वो बोलती हैं कि दो दिन पहले उनके रूम में कुछ मरम्मत का रिपेयर का, का काम शुरू हुआ um, एंड आई हैड टू मूव इन टू द चैम्बर इन विच माई सिस्टर डाइड और मुझे मूव होना पड़ा जाना पड़ा उस चैम्बर में चैम्बर मतलब रूम में जिस रूम में मेरी सिस्टर का डेथ हुआ था इमेजिन माई टेरर दिन तब आप सोचिए इमेजिन किए सोचिए कि मेरा टैर मेरा डर तब वेन लास्ट नाइट जब लास्ट नाइट पिछले रात को क्या होता है आई सडनली हर्ड द लो विस्सेल विच वॉज हेरल माई सिस्टर्स डेथ सडनली लास्ट नाइट को पिछले रात को मुझे एक धीमा सा हुसल सुनाई दिया सीटी का आवाज़ सुनाई दिया जो कि हेरल्ड था हेरल्ड मीन्स साइन था उसके बहन का डेथ का मतलब उस टाइम में भी उसको धीमा सा सीटी का आवाज़ सुनाई दे रहा था अभी भी सुनाई दे रहा है तो वो सोच रही है कि उसकी बहन का डेथ का वो साइन था तो अभी फिर से बज रहा है कहीं अभी उसका बारी तो नहीं है वो सोच रही है I sprang up and lit the lamp. वो sprang, sprang मतलब उछल पड़ी बेड से और उनका जो लैम्प था लाइट था उसको वो जलाई But nothing could be seen. लेकिन कुछ भी उनको नज़र नहीं आया I was too shaken to be uh, uh, to go to bed again. अगेन मैं बहुत ही शेकन हो गई थी डर गई थी बेड जाने से एंड एज़ सोन एज द डे ब्रोक यहाँ पे जो वर्ड ब्रोक है इसका मतलब डे ऑकर डे जब होता है दिन जब होता है आई केम हेयर टू आस्क फॉर योर एडवाइस जैसे ही सुबह होता है मैं आपके पास सीधा चली आई हूँ आपके एडवाइस के लिए आपके सलाह के लिए आफ्टर लॉन्ग साइलेंस होम्स asked इफ़ वी we were टू कम टू स्ट्रोक Moran today. वुड इट बी पॉसिबल फॉर अस टू सी द रूम्स विदाउट द नॉलेज ऑफ योर स्टेप फादर तो होम्स कुछ ही देर तक कुछ देर तक वो चुपचाप होकर शांत होके सा हो साइलेंस में बैठे शांत होकर बैठे और उसके बाद बोले कि क्या ये पॉसिबल है कि आज हम लोग पॉसिबल मतलब यहाँ पर आज संभा मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि आज हम लोग स्टोक मॉरन में आए और आप लोगों का रूम देखे विदाउट द नॉलेज ऑफ योर स्टेप फादर मतलब बिना आपके स्टेप फादर को जानकारी दिए हम लोग आके वहाँ पे रूम देख सकते हैं क्या एज इट हैपन्स वो बोलती हैं हेलन बोलती हैं कि एज इट हैपन्स जैसे कि होता है ही स्पोक ऑफ कमिंग इन टू द टाउन टुडे उनके स्टेप फादर स्पोक मतलब बोले हैं कि वो आज टाउन आ रहे हैं ऑन सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस कुछ इम्पॉर्टेंट बिजनेस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए इट इज़ प्रोबेबल दैट ही विल बी अवे ऑल डे और ये प्रोबेबल है प्रोबेबल मतलब आ, 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 संभावना है कि वो पूरा दिन बाहर ही रहेंगे नेक्स्ट पेज में आते हैं एक्सीलेंट यू मे एक्सपेक्ट अस अर्ली इन द आफ्टरनून तब होम्स शर्लोक्स होम बोलते हैं ये बहुत अच्छा बात है तब आप हम लोगों को हमारे लिए वेट कर सकते हैं अर्ली इन द आफ्टरनून दोपहर के पहले पहले टाइम में आप हम लोगों के लिए वेट कर सकते हैं कि मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग आएंगे आई लुक फॉरवर्ड टू सींग यू देन शी टुक हर लीव ऑफ अस उसके बाद वो बोलती हैं कि ठीक है मैं आपका इंतज़ार करूँगी और ऐसा कहते ही वो वहाँ से विदा लेती हैं वट डू यू थिंक ऑफ इट वॉटसन आस्ट शर्लॉक होम्स लीनिंग बैक इन द चेयर शर्लॉक होम क्या करते हैं अपने जो चेयर रहता है उसमें बैठ के थोड़ा पीछे के तरफ जाके आरामदायक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के वो पूछते हैं वॉटसन से कि तुमको क्या लगता है वॉटसन? इट सीम्स टू मी ए वेरी ए मोस्ट डार्क एंड सिनिस्टर केस वॉटसन बोलते हैं कि ये मुझे बहुत ही डार्क और बहुत ही सिनिस्टर केस लग रहा है सिनिस्टर मतलब बहुत ही इवलिश बुरा टाइप का केस लग रहा है और फिर शर्लॉक्स uh, होम बोलते हैं कि डार्क इनफ सिनिस्टर इनफ बोलते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है ये और बहुत ज़्यादा ही इवलिस्ट सिनिस्टर टाइप का लग रहा है शर्लॉक होम्स बोलते हैं ये सेंटेंस एंड नाउ वॉटसन आई शेल वॉक डाउन टू द डॉक्टर्स कॉमन वेयर आई होप टू गेट द गेट सम इंफॉर्मेशन विच आई विच मे हेल्प इन दिस मैटर विच मे अस इन दिस मैटर उसके बाद डॉ शलोक सोम बोलते हैं कि ठीक है वॉटसन अभी मुझे चलना चाहिए डॉक्टर्स कॉमन में डॉक्टर्स कॉमन ऐसा जगह होता है जहाँ पे कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऑफ लॉ एडवोकेट्स वगैरह वहाँ पे होते हैं और ये जो मैरिज लाइसेंस डिवोर्सेस विल्स ये सबका सब कुछ जानकारी वहाँ पर मिलता है तो वहाँ पे ही वो बोलते हैं कि मैं वहाँ पे जाता हूँ और शायद मुझे वहाँ पे कुछ होप करता हूँ कि आशा करता हूँ कि वहाँ पे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए इसी विषय में इट वॉज़ नियर वन ओ क्लॉक वैन होम्स रिटर्न फ्रॉम हिज एक्सकरशन उसके बाद वो आ, करीब एक बज रहा होता है जब होम्स अपने एक्सकर्सन से एक्सकर्सन मीन्स ट्रिप से बाहर ट्रिप से लौट कर आते हैं आई हीन द विल ऑफ़ द डिसड वाइफ उसके बाद वो बोलती हैं कि वो डिस वाइफ डिसीज मतलब वो डेथ डेड वाइफ के विल को वो देखी देखे हैं ईच डॉटर कैन क्लेम एन इनकम ऑफ़ टू हंड्रेड फिफ्टी पाउंडस इन द केस इन केस ऑफ मैरिज वो बताते हैं कि दोनों ही डॉटर क्लेम कर सकती हैं दावा कर सकती है एक इनकम का एक पैसे का दावा कर सकती है टू हंड्रेड एंड फिफ्टी पाउंड्स का पैसा का दावा कर सकते हैं जब उनके मैरज मैरिज के केस के लिए मैरिज के लिए देयर फोर इफ़ बोथ द गर्ल्स हैड मैरिड द डॉक्टर्स वुड हैव हैड ए मेरी पिटेंस तो वो बोलते हैं कि अगर दोनों बेटी का अगर शादी हो जाता दोनों लड़की का अगर शादी हो जाता तो डॉक्टर को ये जो डॉक्टर जो रॉयल आउट है उनको बहुत ही मेरी मेरी मतलब बहुत ही कम पिटेंस मतलब लिटिल मनी बहुत ही कम मात्रा में उनको पैसा मिलता इवन इफ़ वन ऑफ देम वॉज़ गेटिंग मेरिड लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का भी अगर मेरिड हो शादी होता है इट विल रूइन हिम ये उनको रुइन कर देगा रुइन मतलब बर्बाद कर देगा एंड नाउ वाटसन इफ़ यू आर रेडी वी शेल प्रोसीड टू स्ट्रोक मोरन वो बोलते हैं कि वाट्सन अगर तुम रेडी हो तो हम लोगों को अभी स्ट्रोक मोरन के तरफ़ प्रोसीड करना चाहिए जाना चाहिए इट वॉज़ अ परफेक्ट सनी डे वेन वी अराइव्ड एट द एट द मैनर हाउस ये जो सेंटेंस है ये अभी से अभी आपको लगने लगेगा कि ये जो वॉटसन है वो नैरेट कर रहे स्टोरी को तो बता, बोलते हैं कि जब हम लोग पहुँचे उस मैनर वो जो मैनर हाउस में स्टोक मोरन में वो बहुत ही सनी डे दे था देअर वॉज नॉट सीम टू बी एनी ग्रेट नीड फॉर द रिपेयर्स एट द एंड ऑफ एट द एंड वॉल होम्स रिमार्क्ड अपॉन एग्जामिनिंग मिस स्टोनर्स फ्रेंड्स यहाँ पे स्टोकर लिखा है बट ये स्टोनर होगा सॉरी एस टीओ स्टोनर होगा तो वो बोलते हैं कि सब कुछ देख परख लेने के बाद मिस स्टोनर के रूम में सब देख लेने के बाद वो बोलते हैं जांच पड़ताल करने के बाद एग्जामिनिंग मीन्स जांच पड़ताल करने के बाद वो बोलते हैं कि इस रूम में तो कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नीड नहीं था कोई भी मरम्मत का रिपेयर का कोई भी ज़्यादा नीड नहीं था नेक्स्ट पेज में आते हैं फ्रेंड्स देयर वेयर नन आई बिलीव दैट इट वॉज़ एन एक्सक्यूज़ टू मूव मी फ्रॉम माई रूम ये सेंटेंस बोलती है हेलन कि हाँ यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है मतलब कोई ज़रूरत नहीं था देर वॉज नन मतलब कोई भी ज़रूरत नहीं था आई um, बिलीव मैं ऐसा मानती हूँ मान रही हूँ बिलीव यहाँ पे मान रही हूँ दैट ये एक एक्सक्यूज़ है एक्सक्यूज़ बहाना है मुझे मेरे रूम से बाहर निकालने का आ दैट इज सजेस्टिव ये सेंटेंस बोलते हैं होम्स होम बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही इंडिकेटिव इंडिकेट हो रहा है ऐसा ही प्रदर्शित हो रहा है कि ये एक बहाना था आपको रूम से निकालने के लिए वी मूव्ड ऑन टू द चैम्बर विच मिस स्टोनर वॉज नाउ यूजिंग इन विच हर सिस्टर हैड मेड मेट हर फेट अभी वो सब कोई सब कोई चलते हैं चले थे सब कोई चलने लगे मिसेस स्टोनर के अभी के करंट अभी के रूम में जिस जिस रूम में उनके सिस्टर का मैट हर डेथ मेट सॉरी मेट हर फेट मीन्स उनका डेथ हुआ था उनके सिस्टर का डेथ हुआ था उस रूम में वो लोग चले वॉट इज दैट बेल यूज फॉर आस्ट होम्स आस्ट पॉइंटिंग एट ए थिक बेल रोप विच हंग डाउन बिसाइड द बेड होम्स एक होम्स पूछे कि वो बेल क्या चीज के लिए काम आता है और वो ये बोले उस बेल रोप बेल मतलब घंटी का रोप रोप मतलब रस्सी के तरफ इशारा मतलब पॉइंटिंग करके दिखाते हुए पूछते हैं जो कि बेड के साइड में बिसाइड में बिसाइड मतलब बगल में लटक रहा था हंग हुआ था हंग मतलब लटक लटका हुआ था इट लुक्स न्यू ईयर न्यूअर दैन द अदर थिंगस वो बोले कि ये तो काफ़ी नया दिख रहा है रूम में जो बाकी चीज़ें हैं उन सबसे ये नया दिख रहा है येस इट वॉज़ पुट देयर ओनली ए कपल ऑफ़ ईयर स गो इट गोज़ टू दाउस कीपर्स रूम वो बोलती है हेलन स्टोनर बोलती हैं कि ये जो रस्सी है ये कुछ कपल ऑफ़ ईयर स गो कुछ सालों पहले ही अटै वहाँ पर रखा गया है जो कि उनके जो हाउस uh, कीपर है हाउस कीपर मतलब uh, नौकरानी है उनके रूम में जाता है मतलब एक वेंटिलेशन जो दूसरे रूम में खुलता है ओपनिंग में नहीं खुलता बाहर का ओपनिंग में नहीं खुलता है होम स्पेंड सम टाइम रनिंग हिज आई अप एंड डाउन द वॉल फाइनली ही टुक द बेल रोप एंड इन हिज हैंड एंड गिव इट ए ब्रिस्क टग उसके बाद बहुत ही बहुत देर से होम्स क्या करते हैं अपने आइस को अपने आँखों को इधर उधर घुमाते हैं वो दीवार में फाइनली उसके बाद क्या करते हैं वो अपने हाथ में वो बेल का जो रस्सी रहता है उसको अपने हाथ में लेते हैं और उसको एक ब्रिस्क टग देते हैं ब्रिस्क मतलब एक तो ज़ोर से टग मतलब खींचते हैं ज़ोर से खींचते हैं वाई इट इज़ इट इज़ अ डमी वो जब खींचते हैं तब उनको पता चलता है ये कि वो एक डमी है डमी मतलब नकली नकली बेल रोप रखा हुआ है इट इज़ नॉट इवन अटैच टू द वायर और वो एक वायर के साथ भी अटैच नहीं किया गया है यू कैन सी नाउ दैट इट इज़ फास्टन टू ए हुक जस्ट अबोव द लिटिल ओपनिंग फॉर द वेंटिलेटर अभी तुम सब कोई देख सकते हो कि वो फास्टन किया गया है फास्टन मतलब बंधा हुआ है वेंटिलेटर के वेंटिलेटर के लिए जो खुला जगह है वहाँ उसके ठीक ऊपर में एक हुक के साथ बंधा हुआ है वो एक वो रस्सी वो रोप दिस रूम हैज सर्टन स्ट्रेंज फीचर इस रूम का कुछ सर्टन मतलब सॉरी मतलब कुछ स्ट्रेंज मतलब अजीब फीचर मतलब अजीब मतलब चीजें हैं इस रूम में वट ए फूल ए बिल्डर मस्ट बी टू ओपन अ वेंटिलेटर इन टू अनदर रूम ये जो रूम जो भी घर का जो बिल्डर रहा होगा वो कितना बेवकूफ रहा होगा कि एक वेंटिलेटर को दूसरे रूम में ओपन किया गया है वैन माइट वैन ही माइट हैव ओपनड इट टू द फ्रेश एयर जबकि उसको एक वेंटिलेटर को उस जगह में बनाना चाहिए जहाँ पे कि उसको फ्रेश एयर मिले एंड हैव यू नोटिस दैट द ब्लै बेड इज़ क्लैम्ब टू द फ्लोर और क्या तुमने ध्यान दिया नोटिस किया कि जो बेड है बिस्तर है वो क्लाइम्ब किया गया है मतलब बंधा हुआ है फ्लोर के साथ अटैच किया गया है ताकि वो मूव ना हों विथ योर परमिशन मिस टोनर we शैल now लुक एट द अदर रूम्स तब वो बोलते हैं होम्स बोलते हैं मिस टोनर से कि आपके परमिशन से आपके इजाज़त से अभी हम लोगों को दूसरा रूम देखना चाहिए डॉक्टर रॉयलॉट्स चैम्बर वॉज लार्जर दैन लार्जर दैन दैट ऑफ हिज स्टेप डॉटर्स मिस्टर डॉक्टर रॉयलॉट का जो चैम्बर था उनका जो रूम था वो उनके स्टेप डॉटर्स के रूम से काफ़ी बड़ा था होम्स वर्कड अराउंड एंड एग्जामिन इट विथ कीन इंटरेस्ट वो उस रूम में गए और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बहुत ही रुचि लेकर इंटरेस्ट के साथ कीन मतलब गहरा गहरा रुचि के साथ वो रूम को एग्ज़ामिन करने लगे जांच परखने लगे देयर इज इन टैट इन हेयर इज़ देयर ही आस्ट एट लेंथ वो बहुत ही विस्तार से लेंथ मतलब यहाँ पे विस्तार से पूछे मतलब बहुत ही एलेबरेट होकर पूछे कि यहाँ पे कोई कैट तो नहीं रहता है नो वॉट अ स्ट्रेंज आइडिया ये जो नो है वो बोलती हैं हेलन स्टोनर बोलती नहीं यहाँ पे कोई रहता नहीं है कोई कैट uh, नहीं रहता है और ये इज स्ट्रेंज आइडिया बोलते हैं होम्स शर्लोक होम्स बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत अजीब बात है लुक एट दिस इसको देखो ही टुक आउट ए स्मॉल सॉसर ऑफ मिल्क फ्रॉम अंडर द बेड वो क्या करते हैं एक छोटा सा सॉसर सॉसर एक ठो तो पात्र होता है मिल्क रखने का प्याला या फिर पात्र ले दीजिए बोल दीजिए एक निकालते हैं एक मिल्क रखने वाला एक ठो तो जगह सॉसर निकालते हैं बेड के नीचे से आफ्टर दिस होम्स टर्न टू आवर हॉस्टस उसके बाद होम्स क्या करते हैं उनके जो हॉस्टस के तरफ उनके जो हॉस्टल्स रहती है जो उनको वेलकम किया रहती है उनके तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट मिस टोनर दैट यू फॉलो माई एडवाइस इन एवरी रेस्पेक्ट वो बोलते हैं कि मिस टोनर आपको मेरा जो एडवाइस है मेरा जो सलाह है आपको फॉलो करना पड़ेगा मानना पड़ेगा इन एवरी रेस्पेक्ट में हर तरह से आपको मानना पड़ेगा इन द फर्स्ट प्लेस मतलब पहले तो आपको बोथ माई फ्रेंड एंड आई मस्ट स्पेंड द नाइट इन योर रूम पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा मुझे और मेरे दोस्त को आपके जो पहले जो रूम में आप अभी करेंटली रह रहे हैं उस रूम में हम लोगों को वहाँ पे रहने देना होगा बोथ मिस स्टोनर एंड आई लुक्ड एट हिम इन एस्टोनिशमेंट ये सेंटेंस बोलते साथ ही जैसे ही होम से ये बात बोलते हैं तो मिस स्टोनर और आई यहाँ पे आई वाटसन बोलते हैं मतलब उनको कहा गया है यहाँ पे आई वो अपने आप को बोल रहे हैं आई मैं बहुत ही एस्टोनिशमेंट के साथ मतलब सरप्राइज होकर उनके तरफ देखने लगे होम्स कंटिन्यूड और लेकिन होम्स जो हैं वो बोल बोलते रहें यू मस्ट बी इन योर रूम वन योर स्टेप फादर कम्स बैक लेकिन आपको आपके अपने रूम में ही इस रूम में ही उस रूम में जिसको आप मैं आप अभी रह रहे हैं उसी रूम में रहना पड़ेगा जब आपके सौतेले पिता आते हैं देन वैन योर यू हेयर हिम रिटायर फॉर द नाइट जब लेकिन जब आप उनको सुनें कि वो रिटायर हो रहे हैं रिटायर मींस जा रहे हैं बेड में सोने के लिए यू मस्ट ओपन द शटर ऑफ योर विंडो तब आपको अपने विंडो का शटर जो है डोर जो है उसको खोल देना होगा पुट योर लैम्प लैम्प देयर एज ए सिग्नल टू अस वहाँ पर आप अपना लेम्प जो बत्ती है आप वहाँ पर उन्हों पर रखना पड़ेगा और जो कि हमारे लिए एक सिग्नल होगा एक इशारा होगा एंड देन विदड्रॉ क्वाइटली इन टू द रूम विच यू यूज़ टू ऑक्यूपाई और विड्रॉ हो जाइएगा क्वाइटली मतलब निकल जाइएगा बहुत ही धीरे धीरे उस रूम से जिस रूम में और उस रूम में चले जाइएगा जिस रूम में पहले आप ऑक्यूपाई की थी मतलब जो रूम में आप पहले रह रही थी उसमें चले जाइएगा द रेस्ट यू शुड लीव अस लिव टू अस और बाकी जो बच जाएगा वो हम लोग संभाल लेंगे मिस स्टोनर अग्रीड एग्रीड होम्स एंड आई वेंट आउटसाइड टू वेट नियर द गेट्स उसके बाद मिस स्टोनर राजी हो जाती हैं एग्री हो जाती हैं और मिस्ट जो होम्स रहते हैं और आई यहाँ पे श, वाटसन है होम्स और वाटसन दोनों चले जाते हैं गेट के पास वेट करने लगते हैं बाहर एट अबाउट नाइन ओ क्लॉक द लाइट्स वॉज पुट आउट पुट आउट और नाइन नौ बजते ही वो जो घर का जो लाइट है वो पुट आउट हो है, मतलब जाता है मतलब बुझ जाता है एंड ऑल वाज डार्क इन द डायरेक्शन ऑफ द मैनर हाउस और मैनर हाउस के डायरेक्शन में पूरा अंधेरा दिख रहा होता है नेक्स्ट पेज में आते हैं टू आवर्स पास स्लोली एंड देन एट द स्ट्रोक ऑफ इलेवन वी सॉ ए सिंगल ब्राइट लाइट शाइनिंग इन आवर डायरेक्शन करीब दो घंटे बीत जाने के बाद जैसे ही ग्यारह बजता है उन दोनों को दिखाई देता है कि एक सिंगल एक एक अकेला लाइट ब्राइट लाइट जल रहा है एंड शाइनिंग इन आवर डायरेक्शन जल रहा है चमक रहा है उनके दिशा उनको दिशा में दैट इज़ आवर सिग्नल सेड होम्स स्प्रिंगिंग टू हिस्ट फीट वो अपने पैर में उछल के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा सिग्नल है यही हमारा इशारा है अभी हम लोगों को चलना चाहिए वी एंटर्ड द ग्राउंड थ्रो द गैप्स इन द ओल्ड वॉल वो लोग वो ग्राउंड के अंदर उनके प्रॉपर्टी ग्राउंड मतलब यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करते हैं वो जो पुराना जो वॉल रहता है पुराना जो दीवार रहता है उसमें एक गैप एक सुराख रहता है उसमें से वो एंटर करते हैं उनके प्रॉपर्टी के अंदर वेंस वी वेयर इनसाइड द बेडरूम होम्स वी इन माई ईयर वो बोले मतलब धीरे धीरे से होम्स क्या किए फुस फुसा कर करके बोले वॉटसन को जैसे ही हम लोग रूम के अंदर जाते हैं द लीस्ट साउंड वुड बी फेटल टू आवर प्लान एक छोटा सा भी लीस्ट साउंड छोटा सा भी साउंड हमारे प्लान्स को हमारे जो प्लान जो हम लोग किए हैं उसको लिए घातक हो सकता है उसके लिए फेटल हो सकता है मतलब उनका जो प्लान है वो किए कराए में पानी फिर सकता है अगर हम लोग छोटा सा भी नॉइस करें तो वी मस्ट सिट विदाउट ए लाइट हम लोगों को यहाँ पे बिना लाइट के ही बैठना पड़ेगा do नॉट फॉल asleep स्लीप योर life वेरी लाइफ upon डिपेंड अपॉन इट वो बोलते बोले कि बिल्कुल भी नहीं सोना हमारा जो लाइफ है तुम्हारा जो लाइफ है हमें इसी पे ही डिपेंड करता है म्स हैड बॉट विथ हिम ए लॉन्ग थिन केन होम्स अपने साथ एक लंबा सा पतला सा केन लेके आए केन मतलब इट तो बेथ बेथ मतलब डंडा लेके आए विच ही प्लेस्ड बिसाइड हिम ऑन द बेड जो कि वो अपने बगल में बेड के ऊपर रख दिए बिसाइड इट ही लेड अ बॉक्स ऑफ मैचेस उसके बाद उसके बगल में वो क्या किए एक बॉक्स ऑफ मैचेस माचिस का एक बक्सा रख दिए एंड अ स्ट ऑफ कैंडल स्टम्प मतलब बचा हुआ छोटा सा एक एक्टो पीस ऑफ कैंडल रख दिए देन ही टर्न डाउन द लेम्प um, उसके बाद वो क्या किए बत्ती को बुझा दिए एंड वी वेर लेफ्ट इन डार्कनेस और उसके बाद वो लोग रूम के अंधेरे में ही रह गए फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी सेट इन अ स्टेट ऑफ ड्रेडफुल वर्जल उसके बाद कुछ ही कुछ मिनट तक वो लोग एक ऐसे स्टेट में एक ऐसे अवस्था में रहे जो कि बहुत ही ड्रेडफुली वर्जिल था मतलब ड्रेडफुल यहाँ पे इसका मतलब है डरावना वर्जिल मतलब निगरानी में एकदम पूरा चौकन्ना होके वो लोग उसी तरीके से उसी स्टेट में बैठे रहे कुछ मिनट तक आई स्टार्टड स्वेटिंग फ्राम टेंशन वॉटसन जो थे वो टेंशन uh, के मारे उनको स्वेटिंग होने लगा था पसीना निकलने लगा था सडनली ये साउंड बिकम ऑडेबल अचानक से एक साउंड एक आवाज़ ऑडेबल होने लगा सुनाई देने लगा ए वेरी जेंटल एक बहुत ही जेंटल uh, सा कोमल सा आवाज़ सूथिंग साउंड मतलब सुकून दिलाने वाला एक साउंड उनको सुनाई देने लगा लाइक दैट ऑफ ए स्मॉल जेट ऑफ स्टीम एस्केपिंग कंटिन्यूअली फ्रॉम ए कैटल ऐसा टाइप का साउंड जैसे कैटल को आप चूल्हे पे बैठा देंगे उसका जो ओपनिंग है वहाँ से जैसे हवा स्टीम निकलते टाइम में जैसा स्लो आवाज़ होता है वैसे ही एक आवाज़ सुनाई देने लगा द मोमेंट वी हर्ड एड होम स्प्रेंग फ्रॉम द बेड जैसे ही उनको वो आवाज़ सुनाई दिया होम्स क्या किए स्प्रेंग जंप करके उठ गए बेड से स्ट्रक ए मैच वो क्या किए एक मैच को एक मैच का जो माचिस का जो काठी लकड़ी लग, है उसको वो स्ट्रक किए जलाए एंड लेस्ट फ्यूरियसली लेस्ट मतलब बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मारने लगे फ्यूरियसली मतलब ज़ोर ज़ोर से बेरहमी से मारने लगे विथ हिस्स केन एट द बेल पुल उनके केन से उनके बेत से और वो बेल पुल के तरफ वो जो बेल का जो रस्सी था उसके तरफ जोर जोर से मारने लगी यू सी इट वाटसन ही यू सी इट शर्लोग होम वाट्सन को बोले कि क्या तुमने देखा वो चीज़ क्या तुमने देखा ही हैड सीज टू स्ट्राइक वो सीज हो गए थे मतलब रुक गए थे स्ट्राइक करने से स्ट्राइक मतलब मारने से रुक गए थे एंड वोज गेजिंग अप और घूर घूर के देख रहे थे गेजिंग अप मतलब घूर घूर के देख रहे थे एट द वेंटिलेटर वेंटिलेटर की तरफ देख रहे थे घूर घूर के

एक बहुत ही हॉरिबल सा बुरा सा क्राय का चीख का आवाज़ से जो उनको सुनाई दिया जो कि बहुत ही भयानक था वैसे उस आवाज़ से वो जो रात का सन्नाटा वो चिर मतलब वो टूट गया वॉट कैन आई व्हाट कैन इट मीन आई गेपस्ट यहाँ पे आ, वाटसन बहुत ही गैप्स्ट होकर बोले गैप्स्ट मतलब आ, ब्रेथिंग हैविली मतलब सांस फूल जा रहा डर से उनका सांस फूल जा रहा है और उस तरीके से वो बोले कि वॉट इट वॉट कैन इट मीन इसका मतलब क्या है इट मीन्स दैट इट इज़ ऑल ओवर एंसर होम एंसर्ड होम एंसड दिए जवाब दिए कि इसका मतलब ये है कि सब कुछ ओवर हो गया मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया वी वी विल नाउ एंटर डॉक्टर रॉयलर्ट्स रूम उसके बाद वो लोग वो बोले कि अभी हम लोग जाएंगे डॉक्टर रॉयलर्ट के रूम में इट वॉज़ एन अनयूजुल साइट विच मेट आवर आइस एक बहुत ही अजीब सा अनयूजल सा अजीब सा साइट नज़ारा देखने को मिला जब हम लोग उनके घर में गए उनके रूम में गए डॉक्टर रॉयलॉट सेट ऑन ए वुडन चेयर डॉक्टर रॉयलॉट एक लकड़ी के चेयर के ऊपर बैठे हुए थे हिज आइज वेयर फिक्स्ड इन ए ड्रेडफुल रिजिड स्टेयर एट द कॉर्नर ऑफ द सीलिंग और उनका जो आँख था वो, वो फ़िक्स्ड हुआ था एकदम एक, एक जगह में लटके हुआ था इन्हें ड्रेडफुल ड्रेडफुल बहुत ही खौफनाक तरीके से बहुत ही रिजिड होकर मतलब एक कड़े स्टेयर में स्टेयर मतलब घूर रहे घूर रहे थे घूरते हुए नज़र में वो देख रहे थे सीलिंग का छत का एक कॉर्नर में कोने में देख रहे थे बाउंड टाइटली अराउंड हिज हेड वॉज ए पिक्यूलियर येल्लो बैंड विथ ब्राउनिश स्पेकल्स और वो नोटिस किए कि उनका सर के चारों तरफ में टाइटली टाइटली बहुत कस के एक तो बैंड एक तो पिक्यूलियर अजीब सा स्ट्रेंज सा येलो कलर का पट्टी बैंड लगा हुआ था बंधा हुआ था और उसमें ब्राउन कलर के स्पेकल्स बने हुए थे ब्राउन कलर के धब्बे बने हुए थे द बैंड द स्पेकल्ड बैंड विस्पर्ड होम्स से इस बात को दे, इसको देख के फुस बोलने लगे कि ये तो बैंड है वही बैंड स्पेकल्ड बैंड धब्बे वाला बैंड नेक्स्ट पेज में आते हैं आई टू के स्टेप फॉरवर्ड क्या करते हैं ये वॉटसन एक कदम आगे बढ़ते हैं इन एन इन इंस्टेंट और हिज स्ट्रेंज हेड गियर बिगेन टू मूव और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं इन एन इंस्टेंट मतलब तुरंत ही क्या होता है उनका जो हैड गेयर होता है हेड उसको बोलते हैं जो हम लोग हेड में पहनते हैं कोई भी चीज़ हेयर बैंड हो कि जो भी क्लिप हो या फिर कोई भी पट्टी हो उनका जो पट का गेयर था वो मूव होने लगा हिलने लगा फ्रॉम अमोंग हिज हेयर देयर रोज देयर आर अर रोज द स्क्वाट स्क्वाट डायमंड शेप हेड एंड पफ्ट ऑफ ए लोथसम सरपेंट तब क्या हुआ उनके बालों के बीच में से एक स्क्वाट स्क्वाड मतलब एक छोटा साइज का डायमंड शेप का हीरे जैसा शेप का एक ठो सर ऊपर उठने लगा एंड पफ्टफ्ट नेक उसका नेक जो था वो फूला हुआ था ऑफ ए लोथसम सरपेंट लोथसम मतलब ही अनयूजल सा बहुत ही हॉरेबल टाइप का एक ठो सरपेंट था सरपेंट मतलब स्नेक था इट इज ए स्वंप एडर क्राइड होम्स होम्स चिल्ला के बोले कि अरे ये तो एक स्वंप एडर है द डडलियस्ट स्नैक इन इंडिया ये बहुत ही डडलियस मतलब बहुत ही ज्यादा भया, भयानक जहरीला सांप है इंडिया जो कि इंडिया में मिलता है डॉक्टर रॉयलॉट मस्ट हैव डाइट विद इन टेन सेकेंड्स ऑफ बिंग बिटन डॉक्टर रॉयलॉट तो वो कुछ ही सेकेंड में मर गए होंगे जब ये सांप उनको काटा होगा Violence does, वायलेंस ड्रूथ recoil upon the violent. ये सेंटेंस का मतलब ये है कि जो वायलेंट इंसान रहता है जो खराब बुरा जो इंसान रहता है जो सबका बुरा करता है एक दिन वो बुरा जो चीज़ उन्हीं के ऊपर पलटवार कर कर देता है उन्हीं के ऊपर पलटवार कर देता है लेटेस्ट पुट दिस क्रिएचर बैक इन टू इट्स डेन उसके बाद होम्स बोलते हैं कि चलो अभी ये जो प्राणी है ये जो क्रिएचर है इसको अपने ही उसके घर में डाल देते हैं उनके डेन में मतलब यहाँ पे उसके ही घर में उसको डाल देते हैं एंड लेट द पुलिस नो वॉट हैज़ हैपेंड और उसके बाद पुलिस को भी बताते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है होम्स एक्सप्लेन द केस टू मी ऑन आवर वे बैक जैसे ही वो लोग घर में वापस जा रहे होते हैं वो होम्स क्या करते हैं यहाँ पे जो मी है वो है वाट्सन वॉटसन को बताते हैं कि वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि किस क्या था केस माई वो बोलते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से होम्स बोलते हैं माई अटेंशन वॉ स्पीडली ड्रॉन टू द वेंटिलेटर एंड टू द बेल रोप विच हंग डाउन टू द बेड वो बोलते हैं कि मेरा अटेंशन मेरा ध्यान पहले तो तुरंत से चला गया उस वेंटिलेटर के तरफ और उस रोप के तरफ जो बेल का जो रस्सी था उसके तरफ जो कि हंग डाउन टू द बेड जो कि बेड के ऊपर लटक रहा था द डिस्कवरी दैट इट वॉज डमी एंड दैट द बेड वॉज क्लैम टू द फ्लोर मेड मी सस्पेक्ट दैट द रोप वॉज देयर एज अ ब्रिज फॉर समथिंग पासिंग थ्रू द होल इन एंड कमिंग टू द बेड और इस बात का डिस्कवरी इस बात का जो खोज के वो जो वो रस्सी जो है वो बेल रोप जो है वो एक डमी है वो एक नकली है तो मैं आ, मुझे अजीब लगा और ये बात भी अजीब लगा कि वो जो बेड है वो क्लैम्ड हुआ है बंधा हुआ है फ्लोर के साथ इस बात से मुझे सस्पेक्ट होने लगा शक होने लगा कि वो जो रोप है वो जो रस्सी है वो एक तो ब्रिज के हिसाब से वहाँ पे रखा गया है ताकि उस उस रस्सी को पकड़कर ऐसे ब्रिज एज ए ब्रिज कोई चीज़ वहाँ से पास होके, मतलब उसी से रस् उसी रस्सी के सहारे उस होल से आते हुए बेड के ऊपर आ जाए The idea of the snake then occurred in my mind, uh, occurred to me. उसके बाद सांप का जो स्नेक का जो आइडिया के बारे में मेरे दिमाग में तब आया I coupled it with my knowledge that the doctor kept a supply of creature from India. तब मैं अपने मेरे नॉलेज से मेरे जो जानकारी से मैं इस बात को कपल्ड किया कपल्ड मतलब इकट्ठा किया कि वो डॉक्टर पक्का रखता होगा अपने पास एक सप्लाई सप्लाई मतलब एक स्टॉक रखता हो गया उनके पास ऐसे ही क्रिएचर लोगों का जो कि इंडिया से लाया जाता हो क्योंकि उनको बहुत एनिमल्स लोगों को रखने का शौक़ भी था इंडियन एनिमल्स लोगों को रखने का देन आई थॉट ऑफ द विसल उसके बाद मैं सोचा कि वो सी के बारे में Of course the of course he must recall the snake before the morning light revealed it to the others. उसके बाद वो सोचे कि पक्का उनको तो उसको वापस लाने के लिए कुछ कुछ तो चाहिए होगा ताकि वो सुबह होने से पहले ही आ जाए और ये बात रिवील ना हो रिवील मतलब खुलासा ना हो दूसरों के सामने कि वहाँ पे कोई snake भी था He had trained it probably by the use of the milk which we saw. वो बोले कि शायद वो उस स्नेक को ट्रेंड किए थे मिल्क देकर जैसा कि हम लोग देखे थे टू रिटर्न टू हिम वैन ही कॉल्ड जैसे कि जब वो बुलाए तब वो रिटर्न होके मिल्क के लिए आ जाए ही वुड पुट इट थ्रू द वेंटिलेटर एट द आवर ही थाट बेस्ट वो डॉक्टर ही यहाँ पे ही जो है डॉक्टर रॉयलर्ट है डॉक्टर रॉयलर्ट क्या करते हैं उसको इट जो है यहाँ पे वो स्नेक है वो स्नैक को वो वेंटिलेटर में रख देते होंगे एट द एट द आवर उस टाइम में यहाँ पे आवर जो है वहाँ पे टाइम है उस टाइम में रख देते थे जब वो टाइम वो बेस्ट सोचते थे मतलब सही टाइम है वहाँ पे उस टाइम में वो उस सांप को रख देते थे विद द सर्टनिटी दैट उत द पॉसिबिलिटी यहाँ पे सर्टनटी मतलब पॉसिबिलिटी श्योरिटी दैट इट वुड क्रॉल डाउन कि वो क्रॉल करते हुए मतलब उस रस्सी के सहारे क्रॉल करते हुए क्रॉल डाउन नीचे के तरफ जाएगा क्रॉल डाउन द रोप रस्सी के सहारे वो क्रॉल करते हुए नीचे जाएगा एंड लैंड ऑन द बेड और बेड में जाके वो लैंड हो जाएगा आके गिर जाए आ जाएगा इट माइट और मिट माइट नॉट बाइट द ऑक्यूपेंट वो शायद माइट मतलब शायद माइट नॉट मतलब शायद नहीं वो शायद या फिर शायद नहीं मारे ऑक्यूपेंट को ऑक्यूपेंट मतलब जो उस बेड में ऑक्यूपाई करके सोया हुआ हो उसको मारे या फिर काटे या फिर नहीं काटे पर शी माइट एस्केप एवरी नाइट फॉर अ वीक शायद एक वीक के लिए एक सेवन डेज के लिए वो एस्केप कर जाए बच जाए एम, उसके काटने से बच जाए बट सूनर और लेटर शी वुड फॉल विक्टम बट जल्दी आ मतलब जल्दी या फिर बाद में सूनर और लेटर मतलब जल्दी या फिर बाद में उसको तो विक्टम बनना ही है फॉल विक्टम मतलब शिकार बनना ही है वेन आई हर्ड दिस क्रिएचर हीज आई इंस्टेंटली स्टक द मैच एंड अटैक इट होम्स uh, बोले कि जैसे ही मैं वो सांप का हिंसा आवाज़ सुना मैं इंस्टेंटली तुरंत ही उसको मतलब मैच को जलाया मैच का जो लाइट मैच का जो तिली है उसको जलाया एंड और उसके ऊपर अटैक किया विद द रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग इट बैक थ्रू द वेंटिलेटर आई एडेड उसके बाद ये सेंटेंस बोले आम, आ, वाटसन वॉटसन बोले कि वो भी ऐड करके ये बात बोले कि अरे अच्छा इस तरीके से तो क्या हुआ होगा कि वो जो जिस तरीके से वो मारने लगे तो इससे क्या हुआ वो साफ रिटर्न होके वेंटिलेटर से चला गया यस सेड होम्स उसके बाद होम्स बोले कि हाँ ऐसा ही हुआ एंड ऑल्सो विद द रिजल्ट ऑफ कॉजिंग इट टू टर्न ऑप टर्न अप इट्स टर्न अपॉन इट्स मास्टर ऑन द अदर साइड और इसके रिजल्ट से ये भी हुआ कि वो जाके अपने मास्टर को ही अपने मालिक को ही जाके अटैक कर लिया सम सम ऑफ द ब्लो ऑफ माई केन केम होम उसका जो होम्स बताएँ कि उनका जो ब्लो उनका जो मार का उनके केन का उनके जो डंडे का जो मार का उसको केम होम यहाँ पे केम होम मतलब उसको लग गया उस सांप को लग गया एंड रोस्ट इट्स स्नैकिस टेम्पर और ये बात से उसको चोट लगा और इससे उसका जो स्नेक का जो स्नैकिस वाला जो टेम्पर था मतलब सांप वाला जो टेम्पर मतलब गुस्सा था वो रोज़ हो गया मतलब बढ़ गया उठ गया साग वाला गुस्सा क्योंकि उसको चोट लगा था सो दैट इट अटैक द फर्स्ट पर्सन इट सॉ और इसीलिए वो अटैक कर लिया उसी इंसान को जिसको वो पहले देखा इन दिस वे आई एम नो डाउट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्टर ग्रिम्स बाय ग्रिम्स बी रॉयलॉर्ट्स डेथ तो होम्स बताते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनडायरेक्टली मैं ही मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ डॉक्टर ग्रिम्स बाय रॉलोट के मरने का बट आई कैन नॉट से दैट इट इज़ लाइकली टू वे माई वे वेरी हैवीली ऑन माई कंसाइंस लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि इस बात का मेरे कंसाइंस um, में मेरे विवेक के ऊपर वेट बना हुआ है वे मीन्स बोझ बना हुआ है मतलब इस बात का मुझे कोई बोझ नहीं है क्योंकि एक बुरा इंसान था इसलिए उनके साथ बुरा हुआ तो फ्रेंड्स मैं होप करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा ये क्लास एट का पहला चैप्टर है अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को थैंक यू सो मच और फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है मैं जानती हूँ बट आप थोड़ा इस वीडियो को भी मतलब पेजेस को भी देखिएगा काफ़ी सारे पेजेस हैं इसलिए वीडियो हो लंबा हो गया सॉरी फॉर देट एंड थैंक यू सो मच